आज थमेगा यूपी में तीसरे चरण का प्रचार। यूपी में 20 फरवरी को मतदान है। आज शाम तक जालौन में चली बयानों की तीरंदाजी। जनपद जालौन में तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनावी प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और आज जनपद जालौन की तीनों विधानसभाओं में वोटरों को लुभाने, रिझाने और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए नजर आए राजनीतिक दलों के नेता। कालपी में निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने भाजपा और निषाद पार्टी गठबंधन उम्मीदवार छोटे सिंह बैरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं माधवगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कि भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। इसी तरह AIMIM के चीफ उबैसी ने भी जनता को अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा और सपा को 3 तलाक दे दो। तो वहीं उरई नगर क्षेत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गौरी शंकर वर्मा के पक्ष में मतदान करने तथा सूबे में फिर से भाजपा सरकार बनाने के लिए अपील की। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लोगों से कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली की तर्ज पर चहुमुखी विकास किया जाएगा। आपको बताते चलें कि आज शाम 5 बजे के बाद तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनावी प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा।